नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा तायल। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। चलिए चलते हैं सीधे खबर की ओर। जयपुर के सांगनेर थाना इलाके में एक और ठग दुल्हन का केस सामने आया है। दुल्हन के परिवार वालों ने शादी से पहले शादी का खर्च ले लिया और शादी के दिन जब दूल्हा तोरण मारने पहुंचा तो बोली 2 लाख रुपए दो, वरना तोरण मारना नहीं तो सबके सब यहां से निकल जाओ। इज्जत बचाने के लिए दूल्हे के परिवार वालों ने रुपए का इंतजाम कर दुल्हन के माता पिता को दे दिया और उसके बाद शादी हुई। शादी के 10 दिन बाद दुल्हन वहां से फरार हो गई। अपने बीमार पिता से मिलने के नाम पर गई थी जो वापस ही नहीं लौटी। कई सप्ताह इंतजार करने के बाद आखिर अब दूल्हे के परिवार वालों ने सांगनेर थाने में केस दर्ज कराया है। दुल्हन और शादी कराने वाले सभी लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच कर रही सांगनेर पुलिस ने बताया कि सांगनेर में रहने वाले बजरंग लाल ने केस दर्ज कराया है। उसने बताया कि उसकी शादी करने के नाम पर जानकर राधा मोहन, सीताराम और बलराम ने संपर्क किया था। कहा कि आसाम में उसके परिवार की जानकारी एक लड़की रहती है जिसे शादी की जा सकती है। लड़की घरेलू है, गांव की है, परिवार का भी ध्यान रखेगी। बजरंग ने पुलिस को बताया कि वह तीनों की बातें में आ गया। उसने लड़की को देखी और उसकी लड़की ने भी शादी करने के लिए हाँ कर दी। परिवार को शादी का खर्च करीब 50,000 रुपए दिया गया। उसके बाद बजरंग के परिवार वालों ने शादी का पूरा खर्च उठाया। इस साल मई में शादी हुई थी। शादी के दिन जब बजरंग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बारात लेकर मैरिज गार्डन में तोरण मारने पहुंचा तो तोरण मारने से ठीक पहले ही दुल्हन और उसके परिवार वालों ने दूल्हे के परिवार को रोक दिया और कहा कि जब तक 2 लाख रुपए नहीं दोगे तोरण नहीं मारने देंगे। बजरंग ने अपने परिवार 4 रिश्तेदारों से रुपए लेकर दूल्हे के परिवार वालों को दिए जब तक जाकर शादी हुई। बजरंग ने पुलिस को बताया कि शादी होने के 10 दिन बाद ही दुल्हन पूजा उर्फ पायल बोली आसाम में पिता की तबीयत खराब हो गई है, वहां जाकर मिलाती हूं। बजरंग ने उसे आने जाने के लिए करीब 15,000 से 20,000 रुपए खर्च दिया और उसके बाद पूजा वहां से चली गई। उसके बाद वापस ही नहीं लौटी। कुछ दिन तक लगातार बजरंग को फोन पर टटकाती रही।